hello lovely viewers welcome back to my channel and a warm greeting to all the newcomers also okay so today we will learn about the poem literary evening jamaica by mervin morris i have to tell you this uh, dear viewers that finding this poem online was literally a challenge i mean i have searched on many platforms google etc but i it was very hard to find you know but don't worry, I have done the hard work for you. I have broken down the entire poem into some simpler points, so that it becomes easy for you to understand. Okay, so without any further delay, let's start. Now, before starting, uh, I want to just give you a small introduction about about this poem. Uh, if you know this introduction, you will easily understand uh, my points also. So this poem is written by Merwin. Morris. and who is this मर्विन Morris? he is a Jamaican poet. ये जमाइकन poet थे और इनका जन्म किंगस्टन में हुआ था किंगस्टन जो है किंगस्टन की जो जमाइका है ये country है और किंग्सटन इस country की capital है किंगस्टन is the capital of जमाइका एंड जमाका इज एन आइलैंड कंट्री इट इज एन आईलैंड कंट्री ऑफ कैरेबियन सी नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग दैट वाई एम प्रोवाइडिंग दिस मच डीप इंफॉर्मेशन अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि क्यों मैंने इंट्रोड्यूस किया है कैरेबियन सी और इन सब चीजों के बारे में अब देखिए जो अब मरविन मॉरस है वो कैरेबियन सी मतलब कैरेबियन और जमा का यहाँ बस यहाँ से बिलोंग करते थे ये उनका नेटिव लैंड था तो कैरेबियन के जो लोकल पोइट्स थे उनकी जो पोइट्री थी वो कैसी थी और इनके ऊपर पहले रूल था किसी पावरफुल नेशन का इंग्लिश रूल था ठीक है इंग्लिश उस समय पावरफुल थे तो उनका रूल था और एक तरफ उनकी पोइट्री थी इंग्लिश पोइट्री और एक तरफ लोकल पोइट्री थी तो उन दोनों के बीच में जो कंट्रास्ट है और जो क्लैश है वो इस पोएम में देखने को मिलेगा तो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अब हम लोग पोएम पे आ जाते हैं सो द फर्स्ट पॉइंट इज कल्चरल स्ट्रगल्स द पोएम एक्सप्लोर द चैलेंजेस फेस बाय द बाय द लोकल पोएट्स इन ज इन मेंटेनिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस आफ्टर कलोनियल रूल अब इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये मैंने हाईलाइट किया ना कल्चरल आइडेंटिटी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मेंटेनिंग कल्चरल आइडेंटिटी से क्या मतलब है कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करने से ये मतलब है कि देखिए हर एक देश का एक अपना यूनिक कल्चर होता है अपना यूनिक ट्रेडिशन होता है इंडिया है इंडिया का अपना यूनिक ट्रेडिशन है कल्चर है कस्टम है लैंग्वेज है तो इस चीज़ को ज़िंदा रखना इस चीज को अलाइव कर अलाइव रखना इज़ वॉट मेंटेनिंग कल्चरल आइडेंटिटी इज़ कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करना मतलब कि अपने यूनिक कल्चर को अलाइव करके रखना कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करना है ठीक है अब इस पोएम के कॉन्टेक्स में अगर हम लोग देखें तो जो लोकल पोइट्स थे जमाया के वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करने में क्योंकि उनके ऊपर कलोनियल रूल था तो कलोनियल रूल का असर अभी भी था लोगों में इसलिए उनका अपना कल्चर कहीं ना कहीं खो रहा था और इंग्लिश कल्चर का असर आ रहा था नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंट्रास्ट विद इंग्लिश पोएट्री सो इट कंट्रास्ट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री सिंबलाइजिंग कलोनियल इन्फ्लुएंस विद द सिंसियर एंड पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ लोकल पोएट्स ना आई विल एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट ऑल्सो सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वर टू टाइप्स ऑफ पोएट्री द फर्स्ट इज द इंग्लिश पोएट्री एंड द नेक्स्ट सेकेंड वन इज द लोकल पोइट्री तो इंग्लिश पोइट्री में क्या था कलोनियल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था कलोनियल इम्पैक्ट राइट और जो लोकल पोइट्री थी वहाँ पर जेनुन इमोशंस दर्शाए जा रहे थे जेनुन इमोशंस जैसे कि हमेशा इंसान खुश नहीं हो सकता तो इसमें सैड के इमोशंस और पेन के इमोशंस ये सब तरीके से के इमोशंस एंटी स्लेवरी वाले सेंटिमेंट्स की गुलामी नहीं करनी किसी की ये सारे टाइप के इमोशंस लोकल पोएट्री में दिखाए जा रहे थे तो इन दोनों पोएट्री में जो कंट्रास्ट था ये इस पोएम में देखने को मिल रहा है देन द नेक्स्ट पॉइंट इज निग्लेक्ट ऑफ लोकल वॉइस द पोएम हाईलाइट्स हाउ लोकल वॉइज एंड ट्रेडिशंस आर ऑफेन इग्नोर्ड और रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड वाइल इंग्लिश लिटरे ट्रेडिशन आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस तो लोकल वॉइस को निगलेक्ट कर दिया गया लोकल वॉइस को यहाँ पर दो वर्ष आप देख रहे होंगे इग्नोर एंड रेलीगेटेड सो इग्नोर और रेलीगेटेड इग्नोर कर दिया गया या रेलीगेट मीन्स होता है कि, कि किसी चीज़ को लेस इम्पॉर्टेंट या फिर लोअर पोजिशन पर रखना तो लोकल पोइट्री को उस समय लेस इम्पॉर्टेंस दिया गया और उसको छोटी वाली पोजिशन पर रख दिया गया और इंग्लिश पोइट्री को मोर इम्पॉर्टेंस दिया गया

टूटने ही वाली है एकदम पीसेज में टूटने वाली है तो जैसे एक क्रम्बलिंग बिल्डिंग होती है टूटने वाली बिल्डिंग उससे किस चीज़ को कंपेयर किया गया लोकल पोएट्री को मतलब पोएट कह रहा है कि जो लोकल पोएट्री है वो एकदम टूट रही है एक बिल्डिंग क्रम्बलिंग बिल्डिंग की तरह पीसेस में टूटने वाली और क्योंकि वो इतना नेग्लेक्ट हो चुकी है वो वाली पोएट्री और उसको जरूरत है आवश्यकता है रिपेयर की और रिवाइटलाइजेशन की रिवाइटलाइजेशन मतलब दोबारा से उसको अलाइव होने की एक्टिव होने की ज़रूरत है इस चीज को लोकल पोइट्री को नेक्स्ट पॉइंट इज लिंगरिंग कलोनियल मेंटालिटी तो लिंगरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ स्लो टू लीव मैंने लिखा है ये भी मतलब है और एक ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ किसी जगह पे बहुत टाइम से है और वो जा नहीं रही है स्लो टू लीव वही कह सकते हैं बहुत टाइम से कोई चीज़ है एक्स्ट्रा टाइम है मतलब अब उसको चले जाना चाहिए बट फिर भी है अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है कि जो कलोनियल रूल था ऑल दो इंग्लिश जो पीपल थे जो ब्रिटिशर्स का वहाँ पर रूल था उन्होंने उसको छोड़ दिया उस जगह को छोड़ के चले गए बट फिर भी उस सीज का असर अभी तक नहीं छूटा था वो लिंगरिंग था अभी भी उस जगह पे है सो दैट इज़ वट लिंगरिंग कलोनियल मैंटैलिटी इज देन होस्ट रूल अब देखिए इस पोएम में क्या था जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है इस पोएम का नाम क्या है लिट्ररी इवनिंग तो एक लिट्रे इवनिंग मतलब एक ऐसी शाम जहाँ पर पोएट्स आए और अपनी पोएट्री प्रदर्शित कर रहे थे तो वहाँ पर जो होस्ट था वो होस्ट मिशेल सॉन्डर्स था सॉन्डर्स की स्पेलिंग मेरे को क्लियर नहीं थी डैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन सो मिशेल आप इतना भी ध्यान रख सकते हो मिशेल जो था वो इंग्लिश बंदा था मतलब ब्रिटिशर्स को बिलोंग करता तो उसका कल्चरल आइडेंटिटी मतलब इंग्लिश थी और वो वहाँ का होस्ट था तो ऑल दो उसने बहुत ट्राई किया कि वो अनफेयर ना हो लोकल पोइट्री और इंग्लिश पोइट्री दोनों को ही इम्पोर्टेंस दे क्योंकि वहाँ पर दोनों लोग थे लोकल पोइट्स भी थे और इंग्लिश पोइट्स भी थे तो दोनों को ही इम्पॉर्टेंस दे बट फिर भी क्योंकि वो खुद इंग्लिश पोइट था तो उसके अंदर का जो वो था क्या कहते हैं एक इंग्रेंड बाइसिस मतलब कि जो फर्म बिलीव होता है बचपन से ही अपब्रिंगिंग में उसका आ गया था कि नहीं इंग्लिश ही पोइटरी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश लोग ही अच्छे तो वो चीज़ की वजह से वो बायस हो गया थोड़ा बहुत देन लोकल एंड इंग्लिश पोइट स्टाइल तो जो लोकल और इंग्लिश पोइट स्टाइल थे उन दोनों स्टाइल्स में फ़र्क था लोकल जो पोएट्स थे उनका स्टाइल मतलब वो जेनवन इमोशंस प्रदर्शित करते थे और जो इंग्लिश थे ऑरनेट स्टाइल ऑरनेट मतलब मैंने लिखा हुआ है डेकोरेटिव लैंग्वेज लारी लैंग्वेज जैसे कहते हैं बहुत डेकोरेटिव लैंग्वेज में बोलते थे और लोग जो कॉमन सिटीजन्स थे उससे जल्दी रिलेट भी नहीं कर पाते थे कनेक्ट भी नहीं हो पाते थे जो लोकल पोइट्री में जो थीम्स थी वो भी बहुत ऐसी थीम्स थी जिससे कॉमन मैन कैन ईजिली रिलेट लाइक थीम्स ऑफ चाइल्ड बर्थ रेप वायलेंस ऑल दी सोशल इशूज then call for recognition the poem ultimately calls for recognizing and appreciating the authenticity of local voices matlab मतलब, इस चीज पे पोएट ने फोकस किया कि जो लोकल वॉइज़ हैं उनको रिकोगनाइज किया जाए लोकल पोइट्री को भी इम्पोर्टेंस दी जाए और उसको इक्वली ट्रीट किया जाए और उसको भी अप्रिशिएट किया जाए लिट्रेरी वर्ड में अप्रिशिएट किया जाए देन इम्पोजिंग इंग्लिश लिटरेरी स्टैंडर्ड्स देखिए जो लोकल पोइट्स थे उनके ऊपर इंग्लिश लिटरेरी स्टैंडर्ड्स को इम्पोज़ किया गया एम्पोज मतलब समझते हैं ना कोई चीज़ फोर्सफुली फोर्सफुली आपके ऊपर थोपी जाए तो इट इज़ इज इट फेयर टू एक्सपेक्ट लोकल poets टू राइट exactly लाइक like इंग्लिश poets? इस क्वेश्चन पे मतलब एंड हो रहा है कि क्या ये फेयर है कि आप लोकल पोइट्स को ऐसे एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल इंग्लिश पोइट्स की तरह ही लिखे नहीं कर सकते हम लोग एक्सपेक्ट ऐसा ये फेयर चीज़ नहीं है तो यही मतलब लिटरली इस पोएम में इस बात को भी डिस्कस किया गया है कि लोकल पोइट्स को इंग्लिश की तरह बिहेव करने के लिए इम्पोज नहीं करना चाहिए सी